सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जलिंदर पौर और आपका स्वागत है टिक कैंपस चैनल में। आज हम जानेंगे जियो के नए प्लान्स के बारे में जो लॉन्च हुए हैं रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो ये ऑफर्स है, जियो रिपब्लिक डे ऑफर्स। इस वीडियो में मैं इन ऑफर्स के बारे में भी बताऊंगा और रिचार्ज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं ये करने वाला हूँ माई जियो ऐप से। तो माई जियो ऐप हम ओपन कर लेते हैं। माई जियो ऐप ओपन होने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देता है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि मेरे इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है या फिर कोई प्लान नहीं है करंटली। तो मैं अभी जो रिचार्ज करूँगा उसमें मुझे जो रिपब्लिक डे पे जो ऑफर्स या प्लान्स लॉन्च हुए जियो की तरफ से उसका मैं लाभ उठा सकता हूँ। तो मैं ऊपर जो टैब दिख रहा है उसके ऊपर टिक करता हूँ, रिचार्ज नाउ पे। तो हम देख सकते हैं प्लान्स इसमें लिस्ट कर दिए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे बदलाव हैं, हम पिछले प्लान्स न जानते हुए अभी करंटली जो प्लान है वो जानते हैं। पहले जो कैटेगरी दिखाया गया है 1.5 GB पर डे, उसमें हम देख सकते हैं पहला प्लान दिया हुआ है 399 का और जो 1 GB पर डे पैक्स थे वो कन्वर्ट हो गए 1.5 GB पर डे पैक्स में। तो 50% एक्स्ट्रा डेटा हमें मिल रहा है 26 तारीख से। तो पहला जो प्लान है इसमें 399 रुपीज़ का, वैलिडिटी है 84 डेज़ की, इसमें हमें मिलता है 126 GB डेटा। दूसरा जो प्लान है वो है 149 का, वैलिडिटी है 28 डेज़ की, इसमें हमें डेटा मिल रहा है 42 GB। तीसरा जो प्लान है वो है 349 का, वैलिडिटी है 70 डेज़ की और बेनिफिट जो मिल रहा है 105 GB। और चौथा जो है 449 का, वैलिडिटी है 91 डेज़ की और डेटा मिल रहा है हमको 136.5 GB। तो जो 1 GB पर डे पैक्स थे वो अब हमें मिल रहे हैं 1.5 GB पर डे में। दूसरा जो है बदलाव, जो 1.5 GB वाले जो पैक्स थे वो हो गए हैं 2 GB पर डे। तो हम देख सकते हैं पहला जो प्लान है इसमें 198 का, जिसका वैलिडिटी है 28 डेज़ का, डेटा हमें मिल रहा है 2 GB पर डे के हिसाब से 56 GB। दूसरा जो प्लान है वो 398 का, इसमें हमें वैलिडिटी मिल रही है 70 दिन की और डेटा मिल रहा है 140 GB। चौथा जो प्लान है वो है 448 का, वैलिडिटी है 84 डेज़ की और डेटा मिल रहा है 168 GB का। चौथा जो प्लान है वो है 498 का, वैलिडिटी है 91 डेज़ की और डेटा हमें मिल रहा है 182 GB। तो जो भी 1.5 GB पर डे पैक थे वो हो गए हैं 2 GB पर डे। तो एक बेनिफिट हमें रिपब्लिक डे पे ये जियो ने दिया है और इसके आगे यही प्लान कंटिन्यू होगी। और आशा करते हैं कि जियो ऐसे ही प्लान सस्ते और डेटा हमें ज़्यादा मिलता रहेगा। तीसरा जो कैटेगरी है 3 GB पर डे पैक, इसमें है एक प्लान जो है 299 का, वैलिडिटी है 28 डेज़ की और बेनिफिट जो मिल रहा है 84 GB का, तो 3 GB पर डे के हिसाब से। चौथा जो है वो 4 GB पर डे पैक, उसमें 509 का एक प्लान है, इसकी वैलिडिटी है 28 डेज़ की, डेटा हमें मिल रहा है 112 GB 4 GB पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट है 5 GB पर डे पैक, इसमें एक पैक है मतलब एक प्लान है, 799 रुपीज़ का एक प्लान है, वैलिडिटी है 28 डेज़ की, फ़ायदा हमें मिल रहा है 140 GB 5 GB पर डे के हिसाब से। बाद में छोटे पैक्स है, पहला जो प्लान है 52 रुपीज़ का, वैलिडिटी है 7 दिन की और फ़ायदा हमें मिल रहा है 1.05 GB। दूसरा जो है 19 रुपये का, वैलिडिटी है 1 दिन की, डेटा हमें मिल रहा है 0.15 GB। और लॉन्ग टर्म पैक्स में हम देख सकते हैं 4 है, पहला जो प्लान है 999 का, वैलिडिटी है 90 डेज़ की, डेटा हमें मिल रहा है 60 GB। लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा है कि पर डे कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो 999 वाला प्लान है फॉर एग्जांपल 90 डेज़ का है, तो 60 GB अगर मिल रहा है तो ये 90 डेज़ में 60 GB आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक दिन में भी आपको ख़त्म कर सकते हैं या फिर 2 दिन में 3 दिन में। इसमें दूसरा जो प्लान है 1999 का, वैलिडिटी है 180 डेज़ की, फ़ायदा हमें मिल रहा है 125 GB का। चौथा जो प्लान है 4999 का, वैलिडिटी है 360 डेज़ की,
फ़ायदा हमें मिल रहा है 350 GB, और चौथा और आखिरी जो प्लान है वो है 9999 का, मतलब 9999 का, वैलिडिटी है 360 डेज़ की, फ़ायदा हमें मिल रहा है 750 GB का। तो ये है लॉन्ग टर्म प्लान्स। और जियो ने रिपब्लिक डे के अवसर पर एक नया प्लान लाया है मोस्ट अफोर्डेबल प्लान करके, वो है 98 रुपीज़ का। इसकी वैलिडिटी है 28 डेज़ की और बेनिफिट है 2 GB का। तो काफ़ी बेहतरीन प्लान है, 98 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा प्लान जो मिल रहा है, और आपको 2 GB डेटा इसमें मिल रहा है, इसकी वैलिडिटी है 28 डेज़ की, तो काफ़ी अच्छा प्लान है। तो ये प्लान मेन हाईलाइट है हमारे रिपब्लिक डे ऑफ़र का। उसके बाद बाकी भी प्लान जो मेन हाईलाइट है वो है 1.5 GB वाले प्लान, जो 1 GB पर डे थे और 1.5 GB बन चुके हैं, और 2 GB मतलब वो 1.5 GB जो पर डे थे वो 2 GB पर डे बन चुके हैं। तो ये 3 मेन हाईलाइट्स है रिपब्लिक डे ऑफ़र की। तो मेरा जो चॉइस है वो मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। इसमें मैं चुनता हूँ 399 रुपीज़ का प्लान। इसमें हमें नीचे टिक दिया हुआ है, उसमें एनेबल ऑटो रिचार्ज अगर करना है तो कर सकते हैं, उसमें टिक रख सकते हैं, नहीं करना है आपके हिसाब से रिचार्ज करना है तो रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक मार्क हटा रहा हूँ। इसमें नेट बैंकिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मेरा जो भी बैंक है मैं सिलेक्ट करके पेमेंट कर दूंगा। तो ये हो गया है मेरा रिचार्ज। आपके सामने आपको कंफर्मेशन स्क्रीन दिख रही है, 399 रुपीज़ का मैंने प्लान रिचार्ज कर लिया है और उससे लगे सारे बेनिफिट्स मुझे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरा एक्सपायर ऑन 22 अप्रैल 2018, मतलब रिचार्ज हो चुका है। और राइट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं 1.5 GB डेटा मेरा बाकी है, और ऊपर के कॉर्नर में आप देख सकते हैं 399 एंड मोर, अगर मैं रिचार्ज करता हूँ तो मुझे कितना कैशबैक मिल सकता है, और वो कैशबैक मेरे अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ये थे जियो रिपब्लिक डे ऑफर्स, जिसमें मेन था 1 GB पर डे पैक्स, वो कन्वर्ट हो गया है 1.5 GB पर डे पैक्स में। जो 1.5 GB पर डे पैक था वो कन्वर्ट हो गया है 2 GB पर डे पैक में, और एक खास प्लान उन्होंने लॉन्च किया है 98 रुपीज़ का, जिसकी वैलिडिटी है 28 डेज़ की और डेटा मिल रहा है 2 GB। तो दोस्तों टेक कैंपस में मिलाता हूँ आपके लिए हर दिन या हर दूसरे दिन नया वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो इन जियो प्लान्स के चेंजेस के बारे में तो कमेंट में लिखिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।